दर्शकों की जय हो, आई मीन नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपकी एकांत वाली लाइफ मज़े में कट रही होगी और इस समय आप सब फैमिली के साथ रामायण को एंजॉय कर रहे होंगे। टेलीविजन के इतिहास में एक से बढ़कर एक शोज आए, लेकिन 25 जनवरी 1987 को शुरू हुए सबसे पहले रामायण का क्रेज़ देखना हो तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुद के घर में देख सकते हैं। सबसे पहला रामायण इसलिए क्योंकि इसके बाद भी रामायण कई बार अलग अलग चैनलों पर अलग अलग कलाकारों के साथ बनाया गया है, लेकिन श्री रामानंद सागर द्वारा जी बनाए गए रामायण की पॉपुलैरिटी को कोई तोड़ नहीं पाया। खैर, बात करते हैं मोटिवेशन की, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मैंने YouTube पर पहला वीडियो शायद कॉलेज टाइम में देखा था, जब मोबाइल पर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जो सबसे पहला वीडियो मैंने YouTube पर देखा वो एक मोटिवेशनल वीडियो था और उस वीडियो में बोलने वाले स्पीकर थे लेस ब्राउन, इट्स पॉसिबल। ये उनका एक बहुत ही फेमस कैच फ्रेज है जिसका इस्तेमाल वो लगभग अपने हर वीडियो में करते हैं। मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं, लेकिन दोस्तों, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हो, चाहे वो लेस ब्राउन हो या संदीप महेश्वर जी, रॉबिन शर्मा हो या विवेक बिंद्रा जी, पहले तो इन सभी स्पीकर्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन आप कभी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि कोई भी स्पीकर हो, कितना ही बड़ा स्पीकर हो, ये आपको कोई नई सीख नहीं देते, ये सब आपको वही सीख देते हैं जिसे आप आज टीवी में, रामायण में देख रहे हैं, महाभारत में देख रहे हैं। ये वो सीख है जिसे आपने अपने बचपन में अपनी मोटर साइंस की किताबों में पढ़ा हुआ है। छोटे होते हुए पढ़ तो लिया, पर बड़े होकर ध्यान किसे है। अब एक बात बताइए, जो लोग इस समय रामायण देख रहे होंगे, रेगुलर देख रहे होंगे, वो एक बात समझ गए होंगे कि श्री राम विष्णु भगवान के मानव अवतार हैं और उन्होंने मानव अवतार सिर्फ और सिर्फ रावण का वध करने के लिए लिया है। तो क्या विष्णु भगवान खुद रावण को नहीं मार सकते थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि रामायण सिर्फ राम और रावण की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस मंथरा की जिसकी लगाई हुई आग ने रामायण की शुरुआत की थी। ये कहानी है कैकेयी की, जो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। ये कहानी है राजा दशरथ की, जिन्होंने अनजाने में श्रवण की जान ली थी, जिसकी वजह से गुस्से में श्रवण के अंधे पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि राजा दशरथ भी इसी तरह पुत्र की जुदाई से ही मरेंगे, और आखिर में हुआ भी वही। तो इस बात पर मैं एक फेमस कैच फ्रेज कहना चाहूँगा जो आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अगर दशरथ ने श्रवण को मारा ही ना होता तो क्या होता, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कभी हुआ ही नहीं उसे सोचना बेकार है। तो इतिहास को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में जीते हुए फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहिए। रामायण का उदाहरण लेकर अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, जिसे सिर्फ आप समझते हैं, कोई और नहीं। यू नो, मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था, और आज की तारीख में मैं खुद इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाता हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसिस पर बनाता हूँ, मैंने आज तक जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो अचीव किया है उस पर। असल ज़िंदगी ने मुझे वही सिखाया है जिसे माँ बाप और रामायण जैसी कहानियाँ बचपन से सिखाने की कोशिश कर रही थी। बस फ़र्क ये था कि माँ बाप प्यार से सिखाते थे और ज़िंदगी का सबक सिखाने का तरीका कुछ और ही था। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना जैसा चल रहा है चलने दें। मैं आपसे फिर मिलूँगा, जय हिंद।